हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, क्विगनॉन स्टेज पर जाने के बाद फेंग फैमिली के एक आदमी को अच्छी तरह से जख्मी कर देता है। उसको जख्मी करने के बाद सुइलंग सेक्शन का मैसेंजर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो स्याह लड़की उसके हमले को रोक देती है। इसके बाद सेकेंड कॉन्टेस्ट में फेंग रूलोन अपनी सिक्स ग्रेड की मार्शल स्प्रिट को दिखा देता है। उसको देखकर सभी लोग चौंकने लगते हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फेंग रूलोन अपनी मार्शल स्प्रिट दिखाने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा होता है और हंस भी रहा होता है। तभी क्विन फैमिली का हेड कहने लगता है, फेंग फैमिली ने बड़ी अच्छी तरह से इसको छुपा के रखा, लगता है वो हमारी फैमिली इनके जाल में फैल गई है। तभी फेंग रूलोन कह रहा होता है, मैंने अपनी मार्शल स्प्रिट छुपा कर रखी, अब लगता है मैंने दिखा दी तो लोगों की पेंटें गीली हो गई हैं। इस पर क्विन चांग संग कह रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी फेंग फैमिली के सभी लोग फेंग रूलोन की वाहवाही करने लग रहे होते हैं। तभी वो हानोई इनवोई स्याओ से पूछ रहा होता है, सीनियर सिस्टर आपको क्या लगता है? इस पर स्याओ उससे कह रही होती है, सिक्स ग्रेड की मार्शल स्प्रिट ठीक है, काफ़ी सही है, लगता है हमारा यहाँ पर आना ख़राब नहीं हुआ। इधर क्विन फैमिली का हेड सोच रहा होता है, क्या भगवान भी चाहता है कि हमारी क्विन फैमिली इस जगह से पूरी तरह से मिट जाए? क्विगनॉन आगे जाने की कोशिश कर ही रहा होता है, उससे पहले ही क्विन चांग संग आगे जाकर कहने लगता है, फेंग रूलोन ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश मत करो, क्या हुआ तुम्हारे पास अगर सिक्स ग्रेड की मार्शल स्प्रिट है, क्या तुमको लगता है तुम मेरे से जीत सकते हो? उसकी बात पर फेंग रूलोन हंसते हुए कह रहा होता है, ये साफ साफ लिखा था कि ये कॉन्टेस्ट मार्शल स्प्रिट की ग्रेड के बारे में, पर लेकिन तुम अगर ये चाहते हो कि मैं तुमको हरा दूँ तो हम तुम्हारे हिसाब से ही काम करेंगे। चांग संग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही अपनी मार्शल स्प्रिट को निकालने के बाद हमला करने जाने लगता है। फेंग रूलोन बड़े आराम से उसके हाथ को रोक देता है और हंसते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। क्विन चांग पीछे जाने के बाद तुरंत ही दो तरह के स्लैश उसकी तरफ मारता है, पर फेंग रूलोन बड़े आराम से उसके स्लैशों को डॉच कर देता है। क्विन चांग फिर वहीं पर नहीं रुकता और दोबारा से उसके पास हमला करने जाने लगता है। तभी फेंग रूलोन अपनी मार्शल स्प्रिट को निकाल लेता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। क्विन चांग तुरंत ही आसमान में चला जाता है और उसकी अटैक को डॉच कर देता है। उसके अटैक को डॉच करने के बाद वो सीधे दोबारा उसकी तरफ जाने लगता है, पर अब क्या फेंग रूलोन सीधे ही हमला करने जाने लगता है। उसका हमला अपनी तरफ आते देखकर क्विन चांग भी सीधे ही अपनी मार्शल स्प्रिट को उसकी तरफ ले जाने लगता है। दोनों की मार्शल स्प्रिट आपस में टकरा जाती है। फेंग रूलोन थोड़ी सी दम दिखाने के बाद तुरंत ही उसे पीछे कर देता है और इसी के साथ ही स्टेज पर एक ही वॉच जोड़कर ब्लास्ट हो जाता है। सभी लोग ये नज़ारे देखकर कह रहे होते हैं, इतना ताकतवर होने के बाद भी इसने फेंग रूलोन को नहीं हरा पाया। इस पर दूसरा कहने लगता है, मास्टर स्प्रिट का तुम ग्रेड अंतर नहीं देख रहे? तभी फेंग रूलोन क्विन चांग से कह रहा होता है, तुम मेरी आंखों में कुछ भी नहीं हो। उसकी इतनी बात सुनते ही वो उससे कुछ कहना चाहता था, पर उससे पहले उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर फेंग फैमिली का काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी क्विन फैमिली से कुछ लोग आते हैं और क्विन चांग को स्टेज से नीचे की तरफ ले जाते हैं। क्विगनॉन वहीं खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी फेंग रूलोन कहने लगता है, लिंगो सिटी में नंबर वन सबसे मैं हूँ और जो लोग भी बचना चाहते हैं वो हमारी फैमिली के साथ मिल जाएं और मैं इस तरह से उनकी जान भी बच दूंगा। तभी क्विन चांग का फादर कहने लगता है, फेंग रूलोन तुम किस तरह की बकवास करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर? तभी फेंग फैमिली का हेड कहने लगता है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, मेरा बेटा सुइलंग सेक्शन को तुरंत ही ज्वाइन कर लेगा और इसी के साथ ही हमारी फैमिली आसमान में अपने झंडे गाड़ेगी। ऐसे में तुम लोगों का अच्छा रहेगा कि तुम हमारी फैमिली की छत्र छाया में आ जाओ। क्विन फैमिली का हेड कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तभी क्विन फैमिली के अंदर से एक एल्डर बोलने लगता है, मैं क्विन फैमिली का नहीं हूँ, मैं तुम लोगों के साथ मिलने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद वो उन लोगों को छोड़कर फेंग फैमिली की तरफ भाग जाता है और एक एक करके सभी एल्डर ऐसे ही करके भागने लगते हैं। तभी क्विन फैमिली का हेड कह रहा होता है, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इस सब वो एल्डर कहने लगता है, क्विन फैमिली अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं रही, हेड हमें माफ़ कर दो। इतना कहने के बाद वो आगे जाने लगता है। तभी अंकल तियन कह रहा होता है, जब मरने और जीने की बारी आई तब तुम छोड़कर भाग रहे हो। और वो एल्डर सीधे क्विगनॉन से जाकर टकरा जाता है और सीधे ज़मीन पर गिर जाता है। क्विगनॉन को देखने के बाद वो डरते हुए सीधे फिर उन लोगों की तरफ भाग जाता है। तभी क्विन फैमिली का हेड कहने लगता है, तुम सब लोग चले जाओ यहाँ से। तभी अंकल तियन उसके पास आ जाता है और कहने लगता है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी क्विन चांग का फादर बोलने लगता है, ये बूढ़े लोगों, क्या तुम हमारी फैमिली का मोटो भूल चुके हो? हम चाहे मर जाएंगे पर किसी भी आदमी के आगे नहीं झुकेंगे। तभी क्विन चांग कह रहा होता है, फेंग रूलोन ये मत सोचो कि तुम मेरी फैमिली के लोगों को हाथ भी लगा सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए हमारी फैमिली मर जाएगी पर किसी के आगे नहीं झुकेगी। और इसी तरह के सभी लोग नारे लगाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं क्विन फैमिली का थर्ड एल्डर वहाँ से निकल कर जाने लगता है। उसको देखकर वो लोग कह रहे होते हैं, थर्ड ब्रदर तुम कहाँ जा रहे हो? वो उसको रोकने की कोशिश कर ही रहा होता है, वो उससे बिना कुछ कहे सीधे उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। तभी फेंग फैमिली का हेड कह रहा होता है, ये लोग हैं जो मरते दम तक लड़ेंगे पर लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। तभी सुइलंग सेक्शन अकेडमी का वो मैसेंजर कह रहा होता है, लगता है ये शो देखने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तभी फेंग फैमिली का हेड कहने लगता है, क्या तुम अपनी जान लेकर लड़ना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो तुम ट्राई कर सकते हो। उसके इतने कहते ही तुरंत ही सभी लोग
अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को खोलने लगते हैं, पर वो जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को खोलते हैं उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो जाती है। तभी कंगसान का फादर उस थर्ड ब्रदर की तरफ देखकर कहने लगता है, तुमने क्विन फैमिली को धोखा दे दिया। क्विन फैमिली को बिट्रे करने वाला कोई और कोई नहीं बल्कि क्विंथियन और क्विंथ्यूबा हैं, और मैं तो सिर्फ क्विन फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, फैंग फैमिली के हेड के आगे जाकर अपना सिर झुका लेता है। तभी फैंग रोलोन कहना स्टार्ट होता है, जिन लोगों ने हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लिया वो तो बच जाएंगे, और जो कुछ ज़्यादा अड़ियल है उनकी ज़िंदगी में मौत से भी ज़्यादा बदतर कर दूंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही दोनों मैसेंजर की तरफ देखकर कहने लगता है, टू मैसेंजर्स, मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली क्विन फैमिली के सभी लोगों को मार दे। इस पर सियाह तुरंत ही कहने लगती है, फैंग रोलोन, तुमको इतने ज़्यादा क्राइम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस पर तुरंत ही वो हानियो कहने लगता है, सीनियर सिस्टर, जबकि इसकी मार्शल स्पिरिट 6th ग्रेड की है, अगर हम किसी फैमिली के कुछ लोगों को मार देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि काम कैसे किया जाता है? तो हम देखते हैं क्विंगनान बाहर की तरफ निकल आता है और कहने लगता है, टू मैसेंजर्स, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? इस पर सियाह उसको देखते हुए उसे बोलने का इशारा कर देती है। तभी वो उस लड़के से पूछने लगता है, मैसेंजर हानियो, अगर कोई आदमी सुलन सेक्शन अकेडमी में सेलेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब वो किसी भी लोग को कभी भी मार सकता है? ऐसा तो करना बहुत ही आसान बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि आम लोग हमारी नज़रों में सिर्फ एक चींटी के समान है और कुछ भी नहीं। तो मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये कॉम्पिटिशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये कॉम्पिटिशन ख़त्म हो गया? तुम अपनी सिर्फ 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट दिखाकर क्या जाना चाहते हो यहाँ पर? फिर उसके बाद वो सियाह की तरफ देखता है जो कि हंस रही होती है, ठीक है शुरू करो। तभी फैंग रोलोन उससे कह रहा होता है, लगता है क्विंगनान बहुत ही ज़्यादा अड़ियल है, वो अपनी यूजलेस मार्शल स्पिरिट दिखाकर ही चैन लेगा, ऐसी बात है तो चलो दिखाओ। तभी वो क्विंग फैमिली का थर्ड एल्डर कह रहा होता है, क्विंगनान, अपने आप को ज़्यादा बड़ा डॉन समझने की कोशिश मत करो। इसी के साथ ही वो उस बैल को बजा देता है। इधर क्विंगनान अपनी मार्शल स्पिरिट को खोलने के लिए तैयार हो रहा होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।